हेलो एवरीवन, माय नेम इज विपिन। स्वागत है आपका इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। देखिए, हम अक्सर 9, 10, 11, 12 की बातें करते हैं, जबकि 6, 7, 8 भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट क्लास होती है जितनी की सीनियर क्लास। ये क्लासें क्यों इम्पॉर्टेंट होती है? वो इसलिए क्योंकि जब बच्चा इस क्लास में होता है तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट सीखता है। बेसिक चीजें सीखने के बाद जब वो सीनियर क्लास में जाता है तो उसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो स्ट्रांग बन जाते हैं। तो आज की जो एक्टिविटी है क्लास 8 की है, वो सिर्फ क्लास की एक एक्टिविटी ना कह के, बल्कि हम कह सकते हैं ये एक्टिविटी उन बच्चों के लिए है जिनको साइंस अच्छी लगती है या जो साइंस को पसंद करते हैं। तो हमारी आज की एक्टिविटी का टॉपिक है टू स्टडी द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन एंड वाटर। जब मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ या वाटर के साथ तो क्या चेंजेस आते हैं, आज हम उसको देखेंगे। साथ में आपको बताना चाहूंगा मेटल और ऑक्सीजन इन दोनों का जो रिएक्शन था वो हमने कुछ दिनों पहले एक वीडियो अपलोड की थी, आप उसे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से। क्लास 10th में एक रिएक्शन होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसमें मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, और उसी को आप वहां पे देख सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं आपको वहां से वो अच्छे से समझ भी आ जाएगा। आज हम जो देखेंगे वो मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन देखेंगे। यहां पे मैं सोडियम मेटल का यूज करूंगा। सोडियम मेटल को पानी में मैं मिलाऊंगा और पानी में मिलने के बाद वो किस तरीके से मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, तो उसको देखेंगे। साथ में आपको एक चीज बताना चाहूंगा प्यारे बच्चों कि जब मेटल रिएक्ट करता है वाटर से तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा और प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। जितने भी हाईली रिएक्टिव मेटल हैं, चाहे वो पोटेशियम हो, चाहे वो सोडियम हो या कैल्शियम हो, वो पानी के साथ मिलने के बाद मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। जबकि और भी कुछ मेटल ऐसे हैं जो ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं करेंगे, गर्म पानी से करेंगे। उसका एक एग्जांपल है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम गर्म पानी से रिएक्ट करेगा हॉट वाटर से और मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। इसके अलावा कुछ और भी मेटल हैं जैसे एल्यूमिनियम है, जिंक है या फिर आयरन है, ये न तो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करते हैं और न ही गर्म पानी के साथ रिएक्ट करते हैं। ये रिएक्ट करेंगे स्टीम के साथ, वाटर वेपर के साथ। जब ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। सबकी रिएक्शन लगभग सिमिलर ही है। मैं आपको सोडियम की रिएक्शन बता देता हूं क्योंकि वो हम करेंगे, और 9th में आप फॉर्मूला फॉर्मेशन सीखते हैं तो आप फॉर्मूला बनाना सीखेंगे, और 10th में डिटेल में इस चीज को आप सीखेंगे। तो क्लास 8 के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो रिएक्शन मैं बता रहा हूं ये याद होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि जो मेटल है अगर पानी के साथ मिलता है तो क्या सब्सटेंस बनाएगा और हाइड्रोजन गैस। तो देखते हैं। तो सबसे पहले मेटल, मेटल प्लस वाटर हम यहां पे लेंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड बना देगा और प्लस हाइड्रोजन गैस। यहां पे मैं मेटल जो है वो Na लूंगा यानी सोडियम प्लस H2O यानी वाटर विल गिव्स NaOH प्लस H2। हम इसको थोड़ा सा बैलेंस कर देते हैं रिएक्शन को। यहां पे देखिए Na एक है, यहां पे भी एक है, हाइड्रोजन यहां पे दो है, H यहां पे H2 है, और ये तीन हो गया। तो इसको बैलेंस करते हैं, इसको हम 2Na कर देते हैं, यहां पे भी 2Na हो जाएगा, O यहां पे दो हो गया, यहां पे भी O2 हो जाएगा, H2 हो गया और H यहां पे 2 4 हो जाएगा और यहां पे 4 हो जाएगा। ये बैलेंस हो चुकी है। तो प्यारे बच्चों यहां पे रिएक्शन आप देख सकते हैं, जो सोडियम है रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा जो कि एल्काली होगा, बेस होगा और हाइड्रोजन गैस। ये बेस है, एल्काली है, ये कैसे चेक करेंगे? हम लिटमस पेपर से चेक करेंगे। तो लेट्स बिगिन द प्रैक्टिकल। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम एक्टिविटी करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ये सोडियम है, मैंने इसमें से ये निकाला है, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये दिख रहा होगा आपको।
देखिए जो सोडियम है ये या तो हम ग्रीस में या फिर केरोसिन ऑयल में रखते हैं, अगर वाटर में रखेंगे तो आपको पता है वाटर के साथ रिएक्ट करके बूम ब्लास्ट कर देगा। तो अभी हम देखेंगे कैसे ये रिएक्ट करेगा पानी के साथ। इसको पहले नाइफ से छोटा सा इसका पीस ले लेते हैं, ये मैंने बहुत स्मॉल इसमें आप पीस लेंगे, ये देखिए बाकी जो है आप इसमें रख सकते हैं इसको। तो जो छोटा सा पीस है प्यारे बच्चों मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा हम क्लीन कर लेते हैं टिश्यू पेपर या फिर फिल्टर पेपर आप इसकी जगह यूज कर सकते हैं। ये देखिए मैं बिल्कुल डायरेक्ट पानी में डाल रहा हूं। इसके बाद हम लिटमस पेपर से चेक करेंगे कि वो हाइड्रोक्साइड में चेंज हुआ या नहीं हुआ। इस समय देखिए पानी है बिल्कुल, ये देखिए अगर कुछ और होता तो मेरे हाथ में लगता, तो मैंने आपको छू के दिखाया दोनों पानी है। तो एक छोटा सा पीस मैं इसमें पहले गिरा देता हूं, ये देखिए किस तरीके से ये रिएक्ट करता है, आप आवाज सुन रहे होंगे। देखिए ये देखिए, और हम थोड़ा सा बड़ा पीस ले लेते हैं जो कि हम कॉटन में रखेंगे और इसके बाद हम देखेंगे कैसे रिएक्ट करेगा। ये देख सकते हैं आप कॉटन में रखने के बाद मैं इसमें गिरा देता हूँ, आप देखिएगा किस तरीके से इसमें आग लगती है। ये देखिए ये जो गैस निकल रही है हाइड्रोजन गैस है, ये देखिए। तो बहुत हार्मफुल हो जाता है अगर आपने थोड़ा सा ध्यान नहीं रखा अपना। साथ में आपको बताना चाहूंगा, देखिए जब आप इस तरीके की एक्टिविटी कर रहे होते हैं ना लैब में, तो आप एक अलग ही एनर्जी फील करते हैं जो कि मैं इस समय फील कर रहा हूं। और हमारे सामने वाटर हाइड्रोक्साइड हो चुका है, इसको हम चेक कर लेते हैं रेड लिटमस पेपर से। अगर ये चेंज हो जाएगा ब्लू में तो हां ये बेस हो चुका है, ये देखिए ये ब्लू में चेंज हो चुका है। तो एक और ऐसी अच्छी वीडियो के साथ आपको जरूर मिलेंगे। साथ में आपको बताना चाहूंगा कुछ क्वेश्चन जनरल नॉलेज के जो कि साइंस से रिलेटेड है। नेचुरल गैस किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? नेचुरल गैस कहते हैं मिथेन को। साथ में सबसे हल्की जो गैस होती है दुनिया में कौन सी है? हाइड्रोजन गैस। इसके अलावा जो वायुयान यानी कि एयरक्राफ्ट एरोप्लेन होते हैं और जो बैलून होते हैं उसमें कौन सी गैस फिल की जाती है? हीलियम। दुनिया में सबसे हल्की जो धातु है मेटल है कौन सा है? लिथियम। और भारी धातु कौन सा है? भारी मेटल कौन सा है? ऑस्मियम। मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ, जय हिंद।